शख्स, मैं हूँ अनुज नेवेटिया और मैं हूँ नटवर अग्रवाल और हम हैं फाउंडर्स ऑफ बाका बुकी। शख्स, आज हम रेज करने आए हैं 2.5 करोड़ एंड ढेर सारी मेंटोरशिप फॉर 1% इक्विटी। शख्स, आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज लेकर आए। गुड न्यूज ये है शख्स कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है, लेकिन क्या आप जानते हैं बैड न्यूज क्या है? आज इंडिया का ब्रांडेड फुटवेयर मार्केट इंटरनेशनल ब्रांड से डोमिनेटेड है। और जब भी बात आती है इंडियन यूथ की, तो उनको कंफर्ट और ड्यूरेबल शूज तो मिल ही जाते हैं, बट उन्हें चाहिए कंफर्ट और ड्यूरेबल शूज के अलावा स्टाइलिश, फैशनेबल और एलिगेंट शूज, जो कि शायद उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड में मिल जाए। बट आपको तो पता ही है शाक, इंटरनेशनल ब्रांड खरीदने से हमारे इंडियन यूथ की जेबें खाली हो जाती हैं। यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बाका बुकी में। बाका बुकी एक जेन ज़ी यूथ फोकस्ड फास्ट फैशन फुटवेयर ब्रांड है। चाहे वो कैजुअल फुटवेयर हो किसी कैजुअल आउटिंग के लिए, या फिर वो ट्रेकिंग या एडवेंचर के लिए कोई बूट, या फिर चाहे उन्हें स्पोर्ट्स शूज, बाका बुकी ऑफर्स ऑल पॉसिबल सब कैटेगरीज टू आवर यूथ ऑल अंडर वन रूफ। और शख्स, इसी के साथ हम उन्हें ऑफर करते हैं स्ट्रीट वेयर एंड एक्सेसरीज भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डिजाइंस। शख्स, बाका बुकी एक होम ग्रोन इंडियन फुटवेयर ब्रांड है जिसकी शुरुआत हमने 2014 में की थी और आज की डेट तक हम बाका बुकी में 30 लाख से भी ज्यादा शूज कस्टमर्स को डिलीवर कर चुके हैं। और आप हमारी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bakabuki.com या फिर इंडिया के सारे रेप्यूटेड मार्केट प्लेसेस से। शख्स, हमारा विजन है इंटरनेशनल ब्रांड्स के इस दबाव को कम करके इंडिया में बनी इस ब्रांड को ग्लोबल लेके जाना और इंडियन यूथ का फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रांड बनना। सो शख्स, आर यू रेडी फॉर द बाका बुकी रेवोल्यूशन? Welcome to season 3. Thank you. एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो सब यंगस्टर्स को मैंने देखा अभी, और फिर ये जो देख रही हूँ यहाँ दीपिंदर है और वहाँ अमन है, ये अपनी लेसेस नहीं बांधते हैं, ये कॉमन है क्या? आजकल ना लेसेस को 5-6 तरीके से टाई करने का ट्रेंड चल चुका है, तो ये कॉमन है। बट हाँ, क्योंकि लोगों को ना आजकल इंटरनेशनल ब्रांड शायद ब्रीदेबल शूज नहीं दे पा रहे, तो कभी कभी वो अनलेस करके भी रखते हैं, बट वो फैशन के लिए भी कोई कोई कर लेते हैं। सर ने तो फैशन के लिए किया होगा। थोड़ा सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और हाउ डिड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग दिस? So we both are from chartered accountancy background. Oh, nice. Yeah, we were into a job. मैं basically loan syndication में था. Anuj was in EY. जब मैं जॉब में था, I was in need of a shoe. जब मैंने compare किया at that time in 2014, online और offline के prices में काफी significant variance था. In fact, online shoes were expensive and offline was cheaper. तो हमने वहाँ से start करा कि as in side hustle ना start करते हैं as in selling of shoes. And then gradually we continued selling on and आज we are full time. अच्छा, ठीक है। आपने शुरू किया ये कहके कि fast fashion footwear brand. Yeah. और अभी आपने ये extend किया है। So this is in category extension. T-shirts अभी अक्टूबर मंथ में ही लॉन्च किया है। अच्छा, तो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं हम? या श्योर श्योर सर, आपके लिए बूट सर। नाइस पैकेजिंग, थैंक यू सो मच। बेसिकली वी हैव अ सेपरेट पैकिंग फॉर ईच सेगमेंट। बूट्स में भी हमारे पास दो कैटेगरी है, वन इज फैशन बूट, अनदर इज बाइकिंग एंड एडवेंचर बूट। थैंक्स गाइस। जनरली हम शूज कंपनी देखते हैं ना, तो एक स्टाइल लैंग्वेज होता है। नाइकी को आप देखिए तो उसका स्वूश साइन है, अडिडास देखिए तो उसके 3 स्ट्राइप्स हैं, तो इट्स इजीली आइडेंटिफाइबल और एक फैशन स्टेटमेंट बन सके। आपके हर शूज डिजाइन में अलग अलग डिजाइन, पता नहीं चलता है ये एक ही कंपनी से आए हुए। तो ये क्या आपने जान करके किया कि इसके बारे में सोचा ही नहीं? बेसिकली हमारी जो ब्रांड लोगो आपको दिख रही है, सर्कल लोगो, दैट्स एन कॉर्पोरेट लोगो। हमारी मेजर 3 कैटेगरीज हैं, स्नीकर्स, बूट्स एंड स्पोर्ट्स।
हमने इन तीन कैटेगरीज को अलग अलग बाकाबुकी स्ट्रीट, बाकाबुकी एक्टिव एंड बाकाबुकी एडवेंचर्स के नाम से ब्रांडिंग किया। ये वाला मोनोग्राम आप एक टाइप ऑफ रेंज पे लगाते हैं और वो बीबी किस पे लिखते हैं? ये वाला हम हर कैटेगरी में लगाते हैं। बीबी स्ट्रीट अब से आपको बाकाबुकी के सिर्फ स्निकर्स में दिखेगा। एंड ये भी दिखेगा? ये स्ट्रीट के साइड में एक छोटा सा लोगो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा मैम। एक्टिव में क्या दिखेगा? द वर्ड एक्टिव। एक्टिव है उसमें, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ब्रांडिंग में यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं। लोगो देख लो आपको, वो जो सर्कल है उसके बीच में और बी में स्पेस कम है और जो बाका और बुकी के बीच में स्पेस ज्यादा है। डिजाइन लैंग्वेज इज एक्चुअली लाइक 2 out of 10। ये अच्छे कंफर्टेबल है बॉस, मैंने पहने अभी। आई लाइक द कंफर्ट ऑफ द शूज। ग्लैड इट्स नॉट बैंगर सो मच। आपका जो टैग लाइन है क्रिएटिंग कल्चर फॉर द जनरेशंस टू कम, ट्रू, आप क्या कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं? तो इंडिया में लार्जली तीन मेजर सेगमेंट्स हैं। हाँ जी। 1000 बिलो इज मोर मासी, 3000 एंड अबव इज मोर प्रीमियम। बिटवीन 1000 एंड 3000 देयर इज अ वेरी बिग वाइट स्पेस जहां पे कोई ब्रांड प्ले करना ही नहीं चाहता। इसकी अपने आप में FY25 तक 18,000 करोड़ का मार्केट है। पर कैंपस स्केचर्स इन सब के आते हैं ना 1000 टू 3000? कैंपस मासी ब्रांड है, लाइक इट इज बिलो 1000 रुपीस। ये कितने का है? 1699। प्राइसिंग तो अच्छी है। ये देख के 1600 का नहीं लगा, 2500 का लगा। तो मुझे तो क्वालिटी ऐसे पसंद आई। मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट, अच्छा है, थोड़ा एस्पिरेशनल है, थोड़ा फंकी है डिजाइन। शायद वो प्राइस पॉइंट में नहीं मिले, लेकिन उसको करीब से अगर आप देखें तो जो क्वालिटी चीज होनी चाहिए, जैसे स्टिचिंग है, ये सब की फिनिशिंग में बारीकी नहीं है। सर जो शूज आपके हाथ में है ना, उसमें मोर देन 27 कंपोनेंट्स है, सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शूज इन आवर पोर्टफोलियो। बट वाइब कैसे क्रिएट करते हो? कल्चर जो आप बोल रहे हो उसका कैसे क्रिएट करा और कहां किया है, कैसे किया है? सर विद द डिजाइंस दैट वी ऑफर। ओनली डिजाइन, कल्चर कंटेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे? यस, कंटेंट के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी इंस्टाग्राम की 72,000 से ज्यादा कम्युनिटी। आप कितने साल से हो बिजनेस में? ऑलमोस्ट अ डिकेड सर। 72,000 फॉर अ कंपनी जो कल्चर क्रिएट करने की ट्राई कर रही है, वो बहुत वीक है। एक्चुअली क्या है कि कोविड से पहले बाकाबुकी में हम ब्लैक एंड ब्राउन करते थे, बट जैसे ही कोविड आया, सो वी सॉ दैट देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग इनटू स्नीकर्स मार्केट। कोविड के बाद में हमने उस चीज को पिवट किया और सारा का सारा चेंज कर दिया टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड स्नीकर्स। पर मुझे कोई फिर भी कोई यूएसपी नहीं दिख रहा है आपके डिजाइन में। हम जिस प्राइस पॉइंट में ये डिजाइन दे रहे हैं, प्राइस इज योर डिफरेंशिएटर? आवर प्राइस, यस ऑब्वियसली, बिकॉज़ वी आर प्राइस, यू कांट बिल्ड स्केल जस्ट ऑन प्राइसिंग ना। बेसिकली ये है कि जो पूमा 5000 में बेचता है, हम वो चीज 2000 में देते हैं। नाइकी का एंट्री लेवल शू कितने का आता है? 2000। नाइकी का एंट्री 2500 का आता है, वो डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा 1800-1900 का। नाइकी का 2000-1800 में शायद कोई एक दो डिजाइन मिल भी जाता होगा डिस्काउंट के बाद, तो वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे। पर वहां पे नाइकी का सूश है ना, हाँ, वो करता है मैटर। जब ब्रांड एस्पिरेशन वाली बात आती है, दिखावे वाली बात आती है, तो उनको चीपेस्ट सामान चाहिए नहीं होता। आपको याद है टाटा नैनो के आने से पहले मारुति 800 होती थी और होती थी ऑल्टो। मारुति 800 वाज द चीपेस्ट कार इन द मार्केट, मारुति ऑल्टो वाज द सेकंड चीपेस्ट कार इन द मार्केट। ये दोनों कारों में ज्यादा पता कौन सी वाली बिकती थी? 800 ऑल्टो बिकती ज्यादा। ऑल्टो आने के बाद ऑल्टो बिकने लगी थी, नैनो आई। ओके, मारुति 800 बिकेम द लार्जेस्ट सेलिंग कार इन द मार्केट, दिस इज एज मच एज आई नो। तो वो प्राइसिंग पे नहीं जीत सकते हो आप। करेक्ट, राइट। आपको ब्रांड पे जीतना पड़ता है, एस्पिरेशन पे जीतना आपको ना पड़ता है। तुम्हारे सेल्स नंबर बता के सबके छक्के छुड़ा दो, क्योंकि 250 करोड़ वैल्यूएशन, तो कुछ तो मैजिक होगा। जो लास्ट फाइनेंशियल हमने क्लोज किया है उसमें हमने नेट सेल्स क्लोज करी है 47 करोड़। 21-22 थी, उसमें थी 29 CR और उससे पहले थी 19 CR। और साथ इस साल हम FY24 क्लोज करेंगे बिटवीन 75-80 CR। वी हैव बीन ऑन कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ अराउंड 55-60% ईयर ऑन ईयर। पिछले 6 महीने में कितना किया? सर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी जो स्प्लिट चलती है फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ की, वो 35-65 चलती है। चलिए वो तो पिछले साल का देख के समझ में आ जाएगा, right. फिर भी बता दीजिए। तो अभी जो हमने फर्स्ट 6 मंथ में क्लोज किया, दैट्स अराउंड 27 करोड़। पिछले साल इसी पीरियड में 15.6 CR एंड में हुआ कितना, 47। तो 2/3 बाद में जुड़ा। हाँ जी, प्रॉफिट बना रहे हो?
बिल्कुल बना रहे हैं। कितना परसेंट EBITDA है? हम 7-8% EBITDA पे हैं। तो आप ये 5-6 crore प्रॉफिट करोगे ये साल? बिल्कुल। ओके। ग्रॉस मार्जिन कितना है? 55% ऑफ नेट रेवेन्यू एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग परसेंटेज टोटल 8.5%। तो वो बीच में और क्या क्या है बता दीजिए। हमारा जो COGS है 45%, 55% है GP, उसके बाद में 32% है कॉस्ट ऑफ सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेलिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ सेलिंग हो गया कमीशन, लॉजिस्टिक्स, पैकिंग मटेरियल्स, एवरीथिंग। अच्छा, कमीशन अमेज़न पे आप नीचे गिन रहे हो, नेट रेवेन्यू के बाद गिन रहे हो? हाँ जी। आपके पास बचे 23 में से 8.5-9% जो भी है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो हमारे पास बचे 13-14 बचे, ठीक है। 14% में और क्या खर्चा? सैलरीज, रेंट हमारी बाकाबुकी.com से 25% सेल कंट्रीब्यूट होती है, 40-44% है अमेज़न, उसके बाद में है ना 25% के आसपास है फ्लिपकार्ट, बाकी है मिंत्रा, उसके बाद है टाटा क्लिक। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स हटा दो तो इंडियन ब्रांड्स में क्या स्टेटस है, मतलब रैंकिंग और कौन ज्यादा बेचता है और इस इंडस्ट्री में कौन बेचता है? अगर Amazon में बात करें तो हम लोग टॉप 10 फुटवेयर ब्रांड में आते हैं। टॉप 10 अगर आप इंटरनेशनल हटा दो तो भी नहीं। तो अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ, हम Amazon, Flipkart और Myntra तीनों में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं उनके। आप Amazon में बहुत बेसिक कीवर्ड भी अगर आप जाके टाइप करोगे मैन बूट्स, तो आपको सबसे पहले बाकाबुकी दिखेगा। वैसे ही आप स्नीकर्स लिखोगे, यू विल सी बाकाबुकी ऑलवेज ऑन टॉप। और मैं ये स्पॉन्सर्ड एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी की बात है। और हमारी एवरेज रेटिंग अमेज़न में 4.1 है। क्या किया जो टॉप में आ रहे हो विदाउट पेइंग? सर, प्रोडक्ट की वैल्यू है, हमारा NPS स्कोर 60 है, हमारे पास अलग सेपरेट टीम है जो कि कस्टमर की फीडबैक लेती है कस्टमर को डिलीवरी होने के बाद। टोटल रिटर्न्स कितने हैं? 16-18% है। फंडिंग उठाया आपने पहले? नहीं, बूटस्ट्रैप्ड है अभी तक। तो भाई आपको चाहिए क्या, मतलब 2.5 crore दे के 1% लेके हम करेंगे क्या? यहाँ बाकाबुकी में हमने कन्वेंशनल वे ऑफ बिजनेस को कभी नहीं छोड़ा, जो है दो मेन पिलर बिजनेस का जो हम बिलीव करते हैं, दैट्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन दो चीजों पे फोकस करने के लिए आपको हमेशा प्रोडक्ट को एनहांस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ही अपना किंग बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये पैसे से हम चाहते हैं कि थोड़े से और R&D करके थोड़े अपने खुद के मोल्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इसको और प्रीमियम में मूव करें, थोड़े बेटर टीम्स और हायर करना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग खुद का आपका? नहीं नहीं, सारा कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो बाकी लोग के लिए भी बनाते हैं, तो ऐसा कोई होल्ड नहीं है आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर? नहीं नहीं, होल्ड है। बेसिकली दे आर नॉट अलाउड टू मेक फॉर एनी अदर ऑनलाइन डिजिटल ब्रांड्स, उनकी सारी कैपेसिटी हम कैप्टिवली कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्टली वेरी हैप्पी टू सी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एंटरप्रेन्योर्स, एंड 80 crore सेल्स इज नॉट अ जोक विद प्रॉफिट्स, सो कांग्रेट्स। बट मुझे कुछ USP नहीं दिख रहा है। ब्रांडिंग एक कल्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एंड दैट कांट बी जस्ट ऑन प्राइसिंग, राइट? तो आई थिंक आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, बट विदाउट अ क्लियर विजन आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट दिस, सो आई एम आउट। जितने भी बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली अमेज़ॉन में इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यू सीकिंग बिहेवियर है, तो फैशन डिस्कवरी के लिए इट्स नॉट द आइडियल प्लेस। तो आपका 45% बिजनेस अमेज़न पे आ रहा है क्योंकि आपकी पोजीशनिंग कंज्यूमर के माइंड में है वैल्यू फॉर मनी, विच इज़ वेरी पावरफुल। इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसेस बनते हैं ऑन वैल्यू फॉर मनी पोजीशनिंग, पर आपका जेन्युइन जो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे मानना है कि वो 23% है, उसमें भी फिर मार्केटिंग जाता है, क्योंकि आप अपना ग्रॉस मार्जिन कॉस्ट ऑफ सेलिंग हटा के देखते हैं वो ग्रॉस मार्जिन है। फैशन में जनरली बहुत मुश्किल है 23% ग्रॉस मार्जिन पे एक ब्रांड बिजनेस बनाना। एज एन इन्वेस्टर That is interested in brand building, ये अभी right fit नहीं है, I'm out। अब जब बातें कर रहे थे, आप बातें कर रहे थे materials की, आप बातें कर रहे थे pricing की, मैं तब से कोशिश कर रहा था कहीं पे कुछ brand elements सुनाई दे जाए, कुछ culture, कुछ vibe समझ आ जाए। तो एक थोड़ी mentality आपकी based on your experience trading की है, that reason for now, I'm out। हमारी team में भी ना मैं लोगों को बोलता हूँ यार कि यार taste और class मीट्रिक्स से ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप टेस्ट और क्लास रखो तो मीट्रिक्स आ जाते हैं, आपके लोगों में ग्लेयरिंग एरर्स हैं, डिज़ाइन एरर है ना, और अगर आपको वो ही नहीं दिख रहा तो आप अच्छा ब्रांड कैसे बना लोगे? सो आई एम आउट। फीडबैक टेकन एंड ब्रांडिंग पे डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस वेरी वेरी सून। मैंने बात कही थी आपको ब्रांडिंग की शुरू में,
Right. So I totally agree with the other sharks. वो बात नहीं दिख रही है. लेकिन numbers don't lie. तो कुछ तो बात है. एक market right. है जो ignore हो रहा है, जिसमें आप शायद relate कर पा रहे हो, हम नहीं कर पा रहे. Right. लेकिन आपने उसमें business बना लिया. लेकिन deal कैसे बनानी समझ में है. आपका ask भी इतना unrealistic है कि बना बना के भी मैं कुछ deal नहीं बना सकता. So I wish you the best, but I'm out. एक advice आपको दूंगा, sure. अगर आपको सच में आपके customer को समझना है और उनके करीब रहना है और उनके लिए products develop करने हैं, तो offline store खोलिए. वहाँ gross margin बढ़ेगी, आप customer से directly बात कर पाएंगे और समझ पाएंगे क्या problems है brand में, क्या बनाना है आगे चलकर. And I think you can grow into a big business. Good luck. All right. Thank you, sir. Super. Thank you, good sir. Luck. Thank you, sir. शार्क्स, आप ही की तरह हम दोनों भी पेरेंट्स हैं एंड आजकल पेरेंट्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे छोटे छोटे बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम. अब खाना खाना है तो स्क्रीन चाहिए, बोर हो रहे हैं तो स्क्रीन चाहिए, बाहर जाना है तो स्क्रीन चाहिए. और अगर उनसे स्क्रीन लेने की कोशिश करे, oh my God, another level drama. Mama 10 minutes, Mama 5 minutes, Mama 1.5 minutes. और उसके बाद हम भी पिघल के उनको स्क्रीन दे देते हैं. So, अभी तो ये एक एडिक्शन बन गया है. तो शार्क्स, अब हम करें तो क्या करें. हाय शार्क्स, मेरा नाम है सौम्या. और मेरा नाम है नेहा. और हम आए हैं बैंगलोर से. वॉबल एक किड्स ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां हम बच्चों को अमेजिंग म्यूजिक स्टोरीज ऑडियो शो सुनाते हैं, बट एक बोरिंग तरीके से नहीं, पर एक पूरा एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बना के. ये ऑडियोस बिल्कुल मूवीज जैसे है, विद डायलॉग्स एंड साउंड इफेक्ट्स, एंड ये सब बच्चों की आवाज में. हम इस ऑडियो के साथ देते हैं हेडफोन्स एंड ऑडियो से रिलेटेड एक्टिविटी बुक्स, जो ये पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ही एंगेजिंग बनाता है. इस ऑडियो से बच्चे का वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, अटेंशन स्पैन बहुत इम्प्रूव होता है. ये सारा कंटेंट हम लोग इन हाउस बनाते हैं. सो शार्क्स, हमारा विजन है कि हम वॉबल को दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन एक्सक्लूसिव किड्स ऑडियो प्लेटफॉर्म बनाए एज एन अल्टरनेटिव टू स्क्रीन्स, बट विच इज हेल्दी, विच इज फन एंड विच इज प्रोडक्टिव. हमारी आस्क है 25 लाख फॉर 1.5%. सौम्या, नेहा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3. Thank you. Yes, thank you. कितने बड़े आपके बच्चे? My son is 7.5 and daughter is 5. And मेरी daughter 8 साल की है. और इसका आपको उन्हीं से inspiration मिली थी या कैसे start किया आपने ये? Of course, हम दोनों working mothers थे and हमने खुद ही हमारे ही बच्चे screen से addicted होते खुद देखे. Of course, pandemic में वो बहुत ज़्यादा हो गया था and I'm sure lot of parents ये सेम चीज़ देखी होगी. एंड तो हम खुद ही ढूंढ रहे थे कि क्या अल्टरनेटिव्स लाएं जो बच्चे खुद यूज़ कर सकें. हमने इस पर काम करना पिछले सितंबर से शुरू किया है, बट ये लॉन्च पिछले महीने अगस्त मिड में ही हुआ है. ओह वाओ, सो इट्स अ वेरी अर्ली लॉन्च. तो आपका प्री रेवेन्यू है? हाँ जी, हमने अभी पिछले एक महीने में 6 लाख का रेवेन्यू कर लिया है. बट आई वुड से कि हाँ जी, हम इस टाइम पे अपना प्रोडक्ट एंड PMF के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. If you don't mind, can we demo the product? I think that will actually give you... What a great segue. So once, agar ek parent koi alternative dhoond raha hai aur usne Wobble ka naam suna hai, wo humari website pe aa sakte hain, jahan pe unko details pata chalengi ki hum kya hain. And this is for 4 se 10 saal ke bachchon ke liye. Hamara jo product hai, ye 3500 rupees ka hai. बट खरीदने से पहले ऑडियो पेरेंट्स सुनना चाहेंगे, तो हमने नीचे ही अपने वेबसाइट पे या तो आप हमारा प्रीमियम ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको 2 एपिसोड्स फ्री मिलेंगे, या पे आप यहीं पे अपनी स्टोरीज एंड म्यूजिक सुन सकते हैं. एक बार आपको अच्छा लगा ऑडियो तो प्लीज़ हमारा बॉक्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं. तो इसमें आप हेडफोन नहीं देते? इसमें हेडफोन्स है. पर क्यों, सबके पास हेडफोन्स होंगे, बोट्स के या कोई और ब्रांड के?
बच्चों को कुछ छूने और कुछ टैंजिबल की चीज चाहिए होती है, नहीं तो वो ऑडियो को बहुत ऐप में ही वो निकल जाता है। तो ये हेडफोन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हेडफोन, इसमें कुछ इमर्सिव फील होता है। हाँ जी हाँ, सो ये हेडफोन्स हम बताएंगे, एक्चुअली ये हमने वॉल्यूम लिमिटर डाला है हेडफोन्स में, इसकी फ्रीक्वेंसीज भी मेंट टू बी कंफर्टेबल फॉर चिल्ड्रन, सो इट्स सेफ एंड कंफर्टेबल कीपिंग द चाइल्ड इन माइंड। वंस ये आपके घर में पहुंच जाता है बॉक्स, एक बार आप बॉक्स खोलेंगे तो ये आपको हेडफोन दिखेगा अंदर। क्या हम देख सकते हैं इसे? हाँ जी ऑफ कोर्स। इसका ये स्टाइल बहुत सही था। एक ही कलर में आते हैं फिलहाल, ये अभी हमने एक ही कलर में लॉन्च किया है, nice जो कि न्यूट्रल कलर है। थैंक यू। साथ में फोन भी, फोन भी रख सकते हैं। इसके अंदर दो एक्टिविटी बुक्स भी मिलेंगी। फोन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये डेमो के लिए सिर्फ ऐप है, यू कैन लिसन टू इट लेटर। थैंक यू। सौम्या ये पूरा कंटेंट आपने बनाया है? यस। इंटरेस्टिंग, इसमें ट्रेडमार्क का तो इशू नहीं आएगा? जो एलिसन वंडरलैंड है एंड पंचतंत्र है आर ऑल स्टोरीज जो पब्लिक डोमेन में है, बट फॉर दी अदर स्टोरीज जो है वो हमने हार्पर कॉलिंस, अमर चित्रकथा, टिंकल, सो आप अगर देखेंगे तो सुपंडी भी सुपंडी एंड शिकारी शंभू मेरे फेवरेट। हां, ओह आई लव द डिजाइन, हां वेरी फन। थैंक यू। द रैबिट जंप डाउन अ लार्ज होल ओवर देयर। मैंने सुना ये एलिस इन वंडरलैंड। हां जी, ये सारा प्रोडक्शन आपका है राइट? हाँ जी, हाँ जी, ऑल द कंटेंट हम इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। ओके ओके, वेरी 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 हाई क्वालिटी। थैंक यू। सो बट द बच्चा को एक डिवाइस तो साथ रखना ही पड़ेगा? नो, ये जो ऐप है पेरेंट्स ऐप है, हमने वेरी कैटेगोरिकली जो ये फीचर्स भी दिया है फॉर द पेरेंट, एंड दैट्स व्हाई हेडफोन्स एंड स्पीकर्स अलाउज द चाइल्ड की वो एक्चुअली स्क्रीन से दूर रहे। At this point, सब कुछ आपके वेबसाइट से बिक रहा है? So, काफी कुछ वेबसाइट्स के साथ भी बिक रहा है, but actually हमने ऑफलाइन एक्टिविटीज पे भी फोकस रखा है। CEO कौन है आप दोनों? So, I am the CEO. So, मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड ऑपरेशन सारे मैं देखती हूँ। And I'm head of product, so I look at the content. Design and content. Very nice. आप कह रहे थे कि इससे काफी सीखने को मिलता है बच्चों को, तो is there any एजुकेशनल एफिकेसी आपने मेजर की है, कोई स्टडी है आपके पास? जो ऑडियो सुनने वाले बच्चों का 7 times बेटर वोकैबुलरी होता है, 3 times बेटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, सो एज एन ऑडियो एज अ कैटेगरी इटसेल्फ एक ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। हमने ऑलमोस्ट 80-100 रिसर्च पेपर्स को खुद देखा है। अच्छा, बिकॉज हम खुद ही नहीं घुसना चाहते थे किसी चीज पे जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग बताइए। प्राइसिंग 3500 है, पूरे बॉक्स का कॉस्ट एंड कॉग्स इज एक्चुअली 1100 रुपीस। ओके, उसमें से 800 रुपए हेडफोन के ऊपर ही है, 200 फॉर पैकेजिंग एंड शिपिंग एंड 100 रुपीस बुक्स एंड स्टिकर्स। 3500, मतलब इंडिया में आज भी स्पॉटिफाई देख लो, OTTs देख लीजिए, सब परेशान हो गए हैं इंडियंस को कंटेंट के लिए पे कराने। सो ये बॉक्स के साथ एक्चुअली आपको 6 months की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है। आफ्टर दैट एक्चुअली आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल नॉर्मल मॉडल की तरह शुरू हो जाता है, विच इज 250-300 रुपीज मंथ। व्हाई 250-300? कौन सा है? नो, सो अगर आप 12 महीने का ले रहे हैं तो 250 का है, अगर आप पर मंथ ले रहे हैं तो 300 रुपीज का है, सो मोर डिस्काउंटेड ऑफर अगर आप ज्यादा सब्सक्रिप्शन। वाओ, आप लोग ने ज्यादा प्राइसिंग के बारे में सोचा नहीं। अच्छा, एक्चुअली प्राइसिंग ऑन द साइड, प्राइसिंग ऑन द साइड, PMF आपने बोला था अभी नहीं आया है। PMF, so हम लोग सितंबर से ही एक्चुअली पायलट्स करते आ रहे हैं ये प्रोडक्ट, उसी के साथ व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्या नहीं चल रहा। सो करंटली हम लोग अभी बॉक्स के साथ ही, तो हमारा एक्चुअल में अभी 200 यूजर्स हैं इन द लास्ट 1 month इटसेल्फ। रिटेंशन हमारा काफी अच्छा है, इनफैक्ट वीकडे पे अराउंड 35 minutes एवरेज लिसनिंग हो रहा है एंड वीकेंड्स में अराउंड 45 प्लस हो रहा है। 35 मिनट्स अच्छा कैसे है? शायद ये अच्छा ना हो। हमारी पूरी टीम ऑलमोस्ट लास्ट जब से हमने लॉन्च किया है कस्टमर से डायरेक्टली बात करके उनका फीडबैक ले रहे हैं एंड व्हाट एवर फीडबैक वी आर गेटिंग हम वो एक्चुअली प्रोडक्ट में यू नो लुकिंग एट नेक्स्ट आइटरेशन। क्या बोल रहे हैं कस्टमर्स, क्या नहीं चल रहा उनके लिए? So I think one of the biggest things जो अब we are also looking at in version 2.0 is ये headphones का जो autonomy है।
राइट ना वो ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस है तो पेरेंट्स को लगता है कि उनको भी रहना है. सो एज अ वर्जन 2.0 हमने ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट किया है जहां हम एक कम्प्लीटली ऑटोनमस डिवाइस का यू नो प्रोटोटाइप कर रहे हैं जो डिवाइस से कम्प्लीटली दूर है. और बढ़ जाएगा फिर प्राइस तो सुविधा. अब हमारा प्लान एक्चुअली अभी तो लॉन्च किया है बट हमारा प्लान है इन अ क्वार्टर थोड़ा डी बंडल करने का प्रोडक्ट. अगर जिसके पास हेडफोन नहीं है दे कैन बाय द हेडफोन एंड जिसको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही ले सकते हैं. आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं. आपको क्या बनना है ये क्लैरिटी है आप में, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या स्क्रीन का एक विकल्प है कि स्टोरी टेलिंग का विकल्प है. आपने कोई रिसर्च खुद का किया है प्राइमरी जहां आपने देखा आपने कहा कस्टमर से बात करते हैं जो उन्होंने स्क्रीन छोड़ दिया है सुनकर. सो हम ऑल द फ्रॉम द बिगनिंग हम बोल रहे हैं कि हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम अल्टरनेटिव देंगे पेरेंट्स को. अगर हम स्क्रीन टाइम को इवन हाफ कर दे वी थिंक दैट विल बी अ बिग विन फॉर अस. अगर मैं मान लो अपने बच्चे का फोन लेके यूट्यूब पे जो स्टोरीज आती है हाँ. वो लगा देती पर स्क्रीन मैंने अपने पास ही रखा है वो ऑडियो पे सुन रहे हैं हाँ. तो वो भी ऐसे स्टोरी टेलिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस है उसमें एंड इसमें क्या फर्क होगा. वी आर क्यूरेटिंग आवर कंटेंट, हम सेफ बना रहे हैं हमारे कंटेंट को. आज अब अगर यूट्यूब पे जाओ या एनी अदर एग्रीगेटर आपको दिस सो चैनल कर लो ना स्टार्ट, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो. आपने ये क्यों किया इसके लिए. नहीं पर YouTube पे तो वीडियोस आएंगे ना. अभी आपको पता है सबसे बड़ा म्यूजिक ऑडियो ओनली अमंगस्ट द बिगेस्ट एक्चुअली द बिगेस्ट कौन सा है दुनिया में, सब कहते हैं Spotify. पीपल YouTube यूज करते हैं सिर्फ ऑडियो के लिए नॉट वीडियो एंड ऑडियो. मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा कंटेंट इज द डिफरेंस. हम IPs बना रहे हैं तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दैट. एब्सोल्युटली वी आर अ कंटेंट कंपनी. कंटेंट कंपनी हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह करो, YouTube पे करो, इधर उधर आई डोंट नो चैनल्स कौन कौन से हैं, हर जगह करो. सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑल्सो रिपेयर हम लोग अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है एंड हम लोग अपने वेबसाइट से कर रहे हैं बट वी आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन Amazon अभी इस बॉक्स के साथ में. एंड हम हैमलीज एंड अदर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स को भी देखेंगे. इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन जैसे आप बता रहे थे लाइक Spotify और अदर प्लेसेस जहाँ पे हम सिर्फ अपना कॉन्टेंट देंगे उसका भी प्लान है. पहले हम अपने कंटेंट की लाइब्रेरी बनाना चाहेंगे, एक ब्रांड बनाना चाहेंगे, उसके बाद उसको डाइल्यूट करना चाहेंगे टू अदर प्लेटफॉर्म्स. अच्छा मैं आपको एक ऑफर देती हूँ. देखिए आई बिलीव इन योर प्रोडक्ट ठीक है बिकॉज ये जो एज ग्रुप है 4 to 10 ये बहुत अच्छा एज ग्रुप है. पेरेंट्स स्पेंड फॉर देयर किड्स. बहुत सारी चीजें हमको फिगर आउट करनी है बिकॉज आप प्री रेवेन्यू है बट यू हैड मी एट सुपंदी. So, I will give you 25 lakhs for 5% equity, जहां मैं आपको वैल्यू करूंगी 5 crore, which is generous for a pre-revenue company, जहां बहुत सारा काम बाकी है on positioning, pricing, regional languages and marketing. First of all, congratulations to you got an offer. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किस चीज में आपको ऑफर मिला है. आई एम नॉट श्योर कि आप करना क्या चाहते हैं. I think you don't have PMF और आपको मिलेगा भी नहीं PMF क्योंकि आपको ही क्लैरिटी नहीं है आप क्या करना चाहते. आपने एक स्क्रीन की प्रॉब्लम देखी, आपने उसका विकल्प ढूंढा, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फाउंडेशनल जो लॉजिक है ना वो चैलेंज हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगी. और अगर आप अपनी जगह बनाते भी हैं आई थिंक इट विल बी एज अ नीश कॉन्टेंट कंपनी जो नॉन इन्वेस्टेबल है मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर आपके लिए सही हो सकता है. मे बी यू कैन जनरेट अ कैश फ्लो. इस वजह से मैं आउट हूँ. गुड लक. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा इन चीज को देखो कि क्या होता है कि अगर आपका समझो आपने हैमलीज में रखा 6 महीने तक वो नहीं चला नहीं बिका आपको पता है इसकी बैटरी वीक हो जाएगी हार्डवेयर की. जब हार्डवेयर की बैटरी वीक हो तो आपको फिर जाके पेरेंट को फिर उसको जो सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन चीजों में गुड सपोर्ट देना राइट. सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही रहेगा कि आप एक पैक जितना जल्दी हो सके वो निकालो जिसमें आप अच्छी पैकेजिंग अच्छा कंटेंट करके एट मे बी 1500 रुपए में जिसमें ऑलरेडी डिवाइस को यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी उनके पास डिवाइस है उसको एड ऑन करके वो सेम कंटेंट का मजा ले सकते हैं. मेरा बस वो एक एडवाइस रहेगी. आई एम आउट फॉर नाउ. ये हार्डवेयर बिजनेस है या कंटेंट बिजनेस है आपको ना क्लैरिटी चाहिए इस चीज के बारे में. आप दोनों चीजों को सेम ही ब्रेथ में कर रहे हो यूज.
आई थिंक क्लैरिटी चाहिए कि एक चीज करो एंड दैट विल बी बेटर. सो आई एम आउट. द कंटेंट बिजनेस जो है आपको वैसी कंपनी बनानी है क्योंकि वहां तो लाखों लोग हैं. आप मतलब 25 लाख में कुछ भी नहीं कर पाओगे प्रोग्रेस. हमारा एक पूरा टेक प्लेटफॉर्म है. हमारी पूरी लर्निंग होगी कि बच्चा सुन क्या रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग और कंटेंट लाइब्रेरी हमारी और टारगेटेड कंटेंट बनेगा. एंड अभी हम लोग मतलब वी आर डबलिंग आवर कंटेंट एवरी मंथ. ओके सो ओके इट विल बी वेरी टारगेटेड. आई अंडरस्टैंड आप क्या बोल रही हैं. तो आप चाहती है कि वो फोन से ही ऐप के थ्रू रहे. वो वाला जो बिजनेस है उस पे एल्गोरिथम लेके और बड़ी बड़ी टीम एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बहुत लोग लगे हुए हैं. तो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले दैट गेम. आई एम गुड लक. सो माई ऑफर स्टैंड्स एट 25 लाख फॉर 5% इक्विटी. नमिता एक चीज हम जस्ट ऐड करना चाहेंगे कि हमने एक कन्वर्टेबल नोट रेज कर लिया है विद एन इंस्टीट्यूशनल फंड एंड ऑल्सो फ्यू टेक एंजल्स. कब किया है? इट्स एक्चुअली हैपनिंग एज वी स्पीक. सो तो अभी तक क्लोज तो नहीं हुआ है ना? हाँ जी. सो हम लोग 4 करोड़ का रेस कर रहे हैं. 3 करोड़ क्लोज हो चुका है. क्या वैल्यूएशन? सो हमारा कैप इज एट 25 करोड़. फ्लोर इज 10 करोड़. मेरे मेंटोरशिप के लिए फॉर मी ऑन द कैप टेबल एज अ मदर टू गाइड यू. मैं अपना ऑफर 25 लाख एट 5% बिकॉज आई थिंक आई एम वर्थ इट. सो व्हाट वी वुड लाइक टू ऑफर अगर आप कर सकते हैं तो 1.5 कंटिन्यूज. हम आपको 0.5% तो पहले का डील रहा ना. आई मीन आई एम एट 5, यू आर एट 1.5. हां जी नमिता, हम आपको 0.5% एज एन एडवाइजरी देना चाहते हैं. सो यू स्टिल गेट 2%. So we're doing 25 lakh at 2%. 2%. Yes. Thank you. Well done. I love them. Good luck for the mission. Thank you so much, Raj. Thank you so much. हेलो शार्क्स, नमस्कार. मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं बीयू नेचुरल सैलून से हूँ. सालों पहले की बात है, मैं एक सैलून में अपने बाल कटवाने गया. भाई ने 400 रुपये मांग लिए मुझसे. मैं घबरा गया. लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, इतने पैसे होते नहीं थे. खैर, जब मुझे बिजनेस करने का मौका मिला तो मैंने सैलून्स को चुना क्योंकि मुझे ये सर्विसेज अफोर्डेबल बनानी थी. नाउ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दी सैलून ओनर्स, अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा ना अपने देश में फ्लॉड है. हम कुछ भी प्राइस रखते हैं और ये बोलते हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, जबकि ऐसा होता नहीं है. आज शार्क्स मैं आपसे पूछता हूँ, स्मूदनिंग करने के लिए 8,000 रुपया, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया लेना, क्या ये अफोर्डेबल है? कैरेटिन 5,000, 7,000, 8,000, क्या ये अफोर्डेबल है? अब बात करते हैं बीयू नेचुरल सैलून की. हम स्मूदनिंग करते हैं मात्र 1,999 रुपए एनी लेंथ. साथ में शैम्पू और कंडीशनर भी फ्री देते हैं, दैट टू ब्रांडेड. कैरेटिन करते हैं मात्र 999 रुपए में. और अगर आप दोनों महिलाएं मेरे सैलून की मेंबर होंगी तो हम वैक्सिंग फुल आर्म्स, फुल लेग्स, अंडर आर्म्स करते हैं मात्र 49 रुपए में. What? आप सोच रहे होंगे कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल चिल्ला रहा हूँ, कुछ बिजनेस भी बनाया है कि नहीं बनाया. एज ऑफ नाउ बीयू नेचुरल के 6 सैलून्स हैं जो ऑपरेटिंग है 5 सिटीज में. 4 सैलून्स पाइपलाइन में है और जल्दी खुलेंगे. मैं इस बात को बहुत ही 100% गारंटी के साथ आज आपको बताना चाहता हूँ कि बीयू नेचुरल सैलून देश की नंबर 2 सैलून चेन बनने जा रहा है अगले 12 से 18 महीनों में इन ओल्ड सैलून कैटेगरी में, और नंबर 1 भी बन सकते हैं अगर आप लोगों का साथ मिला तो. मेरी आस्क है 60 लाख रुपीज फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी. तो शार्क्स, क्या आप देश की नंबर 1 सैलून का पार्ट बनना चाहेंगे जो आपके सहयोग से बनेगी? जबरदस्त कॉन्फिडेंस. दीपक जी, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू सर. आपका नॉर्थ इंडिया से? दिल्ली. हाँ, मेरे को आपने बोला ना भाई वाला वर्ड यूज किया ना. आपने ये सैलून खोलने से पहले कुछ किया था क्या कभी? I've done my hotel management.
और 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ वेटर। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप वेटर बने? कड़वा सत्य है ये, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सबका प्लेसमेंट या तो वेटर में होता है या हाउसकीपिंग में रूम अटेंडेंट होता है। और ये मैं बात 2005 की कर रहा हूँ, अभी 15 साल बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फिर वहाँ से स्टार्ट किया, मेरा लास्ट जॉब मैरियट होटल्स में एज ट्रेनिंग हेड था, फिर वहाँ से छोड़ा मैंने। फिर क्या किया? सैलून खोला मैंने, 1 नवंबर 2015 को मेरे पहले सैलून की ओपनिंग थी। 6 की 6 दुकान आपकी नॉर्थ में? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा। मेरे हमेशा से बहुत ही लंबे बाल रहे, तो बाल के बारे में मैं काफी मतलब रिसर्च करती हूँ। तो अभी आप केराटिन को ले लीजिए या स्मूदनिंग को ले लीजिए, वो ट्रीटमेंट्स में आप कैसे मुझे विश्वास दिलाएंगे कि नमिता मैं इतना कम चार्ज कर रहा हूँ लेकिन द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म आपके बाल के लिए ठीक रहेंगे? मैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलूंगा। तो दूसरा तरीका है कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में। तो बीयू नेचुरल सैलून के गूगल पर 1500+ रिव्यूज हैं, शायद ही ऐसे 2-3 सैलून हैं जिनके ऐसे होंगे। प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, ये एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में। एक जीके की जो बॉटल आती है केराटिन की वो 18,000 रुपए की पड़ती है, 32,000 रुपए एमआरपी के साथ में। 18,000 रुपए में आप 30 सर्विस निकालते हो, तो इसका मतलब हो गया मोटा मोटा 600 रुपए एक बाल पे खर्च हुए। 600 रुपए के लिए आप 9,000 रुपए थोड़ी लोगे। सो सर्विसेज में मार्जिन हमेशा ज्यादा होते हैं। देखिए, ये सैलून इतना प्राइस इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तो रियल एस्टेट की कॉस्ट होती है, उनका रेंटल हाई होता है, ऊपर से एक सर्विस एक्सपीरियंस है। तो चेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, चाय कॉफी कैसी मिल रही है, एयर कंडीशनिंग, एंड कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनको वो चाहिए होता है एंड कुछ कंज्यूमर्स शायद हैं जिनको नहीं। पर आप मेट्रोज में 49 रुपीज का वैक्सिंग थ्रेडिंग, ये तो PNL कभी वर्क नहीं कर सकती जितनी भी हमें। ये जो 49 रुपीज की वैक्सिंग है ना, ये कैरेट है, अपन पैसा इस 49 रुपए से थोड़ी कमाएंगे। मैंने क्या बोला था कि अगर आप हमारी मेंबर हैं, तो अगर आप हमारी मेंबर होंगी तो हर महीने आएंगे ना। और जो वैक्सिंग का वो डब्बा है ना, 55 रुपए का आता है, 6 लोगों की होती है, स्टिल आप 49 रुपए में करके भी लॉस पर नहीं हो, बट आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो नीचे आ गई ना। जो सैलून चेन्स खुली है देश भर में और काफी बंद भी हो गई, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो मुनाफा आया ही नहीं, तभी बंद हुई। और जो अभी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई धुआंधार प्रॉफिट है। एक सैलून बनाने में 2.5-2.5 करोड़ रुपए लोग लगा रहे हैं। आपका क्या खर्चा है? 15-20 लाख रुपए। ये आपका सैलून? जी, ये वैशाली में महागुण मेट्रो मॉल के अंदर में। लेकिन एम्बियंस इसका ठीक ठाक है, जगह भी है कुर्सियों में, बुरा नहीं लग रहा, ब्रांड भी अच्छा लगा रखा है, और मॉल के अंदर है तो भाड़ा भी ठीक ठाक ही होगा। इसका भाड़ा बैठता है 1,80,000 रुपया। तो कितना खर्चा है ये बिजनेस? मोटा मोटा ऑफ सीजन में 10-11 लाख-12 लाख रुपए महीना, लास्ट मंथ हमने किया 11,40,000 रुपया इस सैलून में। एंड आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? 30% ऑन एन एवरेज। ग्रॉस मार्जिन मतलब आप जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हटा दो। देखिए, मैं वैसे वाला नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कितना पैसा आया। कैसे वाला नहीं हूँ मतलब जो पूरा अकाउंटिंग ऐसे ऐसे करके रहता है, मुझे मेरे नंबर्स पता है बहुत मतलब अच्छे से। आप हमारे जैसे नहीं? नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का वो तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, ये पूरे मेरे पैसे हैं, किसी का उधारी नहीं है सर के ऊपर। टोटल कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ और कितना बचा? ठीक है, तो 3 लाख बचा 10 लाख के रेवेन्यू पे, है ना? तो उसमें आपका रेंट 2 लाख हो गया, ठीक है, तो बाकी सैलरीज? 1,80,000 रुपया रेंट हो गया, ठीक है, टोटल सैलरी है 1,50,000 रुपया, कितना हो गया 3,30,000 रुपया, 2 लाख रुपया हमारा जाता है इसका जो प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ। और 1,80,000 रुपया आप GST निकाल दो, 3 लाख रुपया बच गया ना। मेरा लास्ट मंथ का 28 लाख रुपया था। तो पिछले महीने कितना बचा घर में? 7-8-9 लाख रुपए के आसपास बचा। तो ये साल कितने रेवेन्यू पे आप 4 करोड़ पे क्लोज करेंगे? 4 करोड़। और ये कैसे हो सकता है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सैलून ब्रांड? एनरिच के 75 सैलून है अपने देश में, और उनके अलावा कोई सैलून ऐसा चेन नहीं है। क्यों, नेचुरल्स है? 700 सैलून है, उनका एक भी सैलून अपना नहीं है। गीतांजलि, मेघना? गीतांजलि के तकरीबन 100 सैलून है, 10-15 ओन्ड सैलून है, बाकी सारे फ्रेंचाइज्ड हैं। आपका एवरेज 30 लाख का रेवेन्यू होता है आपका 6 सैलून से? हाँ, नहीं, 5 सैलून से, 6वां भी खोला है। 5-6 लाख पर सैलून का धंधा करते हैं जी। जितने सैलून वालों को मैं जानती हूँ, 30 लाख का बिजनेस तो लोग एक सैलून से कर रहे हैं और आप कर रहे हैं 5-6 सैलून से। आप थोड़ा सा गुस्सा मत कीजिएगा, बट आप एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर कर रहे हो। गीतांजलि और लोक्स मेरा उनसे कंपैरिजन नहीं है, वो लोग साउथ दिल्ली गुड़गांव में है, मेरा गुड़गांव में कोई सैलून नहीं है। मैं टिपिकल ईस्ट दिल्ली में सैलून चलाता हूँ। उनके फ्रेंचाइज क्यों है, आपके क्यों नहीं है? क्वालिटी जो है ना, जो चीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइज बिजनेस में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही टाइट मार्जिन है। सही बात।
ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हो सकता है कैपेचिनो नहीं देते, बट बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अच्छे कप में चाय मिलती है हर क्लाइंट को. वेरी नाइस. सही है, सही है, गुड. ये क्या है? ये जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया तो शैम्पू और मास्क हम बेचते हैं रिटेल में, तो मेरे दिमाग में बात आई क्या हम अपना कुछ बना सकते हैं जहाँ पे मार्जिन बच जाएंगे. तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया. इसका नाम है आगामी प्रोफेशनल. मुझे बहुत टाइम लग गया इसको डेवलप करने में. ये कैरेटिन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने बनाई है. तो आपने बनाई? हाँ, मैं जिनसे अपना शैम्पू बनवाता था तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने एक डेढ़ साल लगाया, कम से कम 100-150 सैंपल भेजे. हम इसलिए इसको अप्रूव कर सकते हैं. मैं दिन में 50 कैरेटिन करता हूँ, कोई और करता नहीं है. Very कोई भी सलून वाला मैन्युफैक्चरर के पास पाली नहीं हो, किस पे ट्रायल करेगा. तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ. सालों तक इसको ट्रायल करने के बाद में हम बना पाए कैरेटिन. इस कैरेटिन का जो प्राइस मुझे बैठता है वो 3,000 रुपये है. और ये पहली ऐसी कैरेटिन है, इसको सेम डे वॉश कर सकते हैं. सही है. आपको ये आपके दीपिंदर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. अभी कुछ नहीं है यार पूछने. अभी मैं पूछ रही हूँ, बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स तो मुंह पे लगाते हैं ना, बाल में कैसे लगाते हैं? बोटॉक्स जो है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है तो उन बालों को रिपेयर करता है. तो अगर आप मेरे पास आए और आपने बोला दीपक मेरे बालों में बोटॉक्स कर दो, तो ऐसा नहीं करते हैं. हम पहले आपकी परेशानी को समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स. उसके बाद में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा, हम वो समझेंगे. फिर हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि मैडम आपके बाल कुछ ऐसे हो जाएंगे. आप बोलोगे हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो हम बताएंगे कि हमें बोटॉक्स करना है कि कैरेटिन करना है या क्या करना है. क्योंकि कई बार हो सकता है जो चीज़ आप बोलो और विनीता बोले कि मैंने तो देख नमिता बोटॉक्स करा था, बहुत अच्छा हुआ, तुम भी करा लो. ऐसा थोड़ी है, जो विनीता को सूट करेगा वो नमिता को थोड़ी सूट करेगा. तो बाहर लगाते हो कि इंजेक्ट करते हो? नहीं, सैलॉन्स में कोई भी काम ना बिना स्किन को टच करे होता है. सारा काम लेंथ पर होगा, स्कैल्प से आधा इंच छोड़कर. एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप इन्वेस्टर का क्या करोगे? इन्वेस्टर आएंगे, वो कुछ नई चीज सिखाएंगे, बताएंगे, पैसे देंगे, तो टीम बनाएंगे ना, टीम हायर करेंगे. नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जब मेरी टीम बन जाएगी, ये जो कैरेटिन है या जो ये प्रोडक्ट है मैं B2B बेचूंगा. B2B मतलब? बाकी सैलून्स को बेचूंगा. इंडिया में कैरेटिन अवेलेबल ही नहीं है, हमने बनाई है. और इस शैम्पू को हम ऑनलाइन बेच सकते हैं. तो इसका नाम आगामी क्यों है? बी यू नेचुरल क्यों नहीं रखा? बेटे का नाम अगस्त्या है, बेटी का नाम मिराया है. ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ अट्रिशन बहुत हाई होता है, राइट? और जैसे ही आपके ट्रस्टेड स्टाफ जो ट्रेन है, जिन्होंने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया, वो जैसे ही चले जाते हैं दूसरे सलोन, क्लाइंट्स को अपने साथ लेके जाते हैं. तो आपका अट्रिशन क्या है? Wonderful question. Zero. Thank you. Zero. Answer नहीं. Wonderful answer. Zero. I don't believe that. मैं HR. ये 0% से मैं हड़बड़ा गई. मैं HR से हूँ. मैं आपको बता देता हूँ. इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखे, मेरी बात सुननी पड़ेगी. आपने बोला लोग छोड़कर चले जाते हैं. प्रोसेस किस लिए? ओरिएंटेशन इंडक्शन किस लिए करते हैं? वीकली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, चेक्स होते हैं. तो ये जेनेरिक बात हुई. अब बात करते हैं एट्रिशन पर छोड़ के जाने की. हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर जो समाज के वंचित वर्ग के बच्चे हैं, कि जो 1.5-2 लाख रुपए का कोर्स देके मेकअप का कोर्स, हेयरड्रेसिंग का कोर्स करें, हम सिर्फ उनको फ्री में सिखाते ही नहीं है, उनको 5,000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी देते हैं कि आके सीख. तो उनको हमने कल्चर सिखाया है. वो सीखने के बाद में अगर वो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं. लेकिन अगर मेरा कल्चर, मेरा प्यार और मेरा इमोशनल बैकग्राउंड उनके साथ ऐसा है, तो वो बोलेंगे दीपक सर हम आपके साथ रुकेंगे. बहुत ऐसे लोग होते हैं, उन्हें दूसरे सलोन से थोड़ी हाई सैलरी मिलती है, वो छोड़ के जाते हैं. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. आपके प्यार से कोई रुकने नहीं वाला है, कि आपने उनको मौका दिया से कोई रुकने नहीं वाला है. तो ये जो आप जीरो अट्रिशन बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू बाय इट. मैं आपसे सहमत हूँ, बट फिर सक्सेशन प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग लोग प्यार के कारण रुकते हैं. मैडम देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड लोग और एक होते हैं एजुकेटेड लोग. अगर मेरा सैलून कभी बिजनेस नहीं चला पाऊंगा ना, तो शायद भूखा मर जाऊंगा. और जिसको बाल काटने आते हैं ना, वो सड़क पे खड़ा होगा, बोलेगा भैया मैं 10 रुपए में बाल काटता हूँ, उसके घर में रोटी आ जाएगी शाम को. तो मैं स्किल लेबर की बात कर रहा हूँ, वो टिक जाएंगे. तो आप सब प्यार और ट्रेनिंग स्किल वालों को देते हो, अभी एडुकेटेड वालों को नहीं प्यार देते? है ही नहीं हमारे पास में अभी. तो वो जब आएंगे उनके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे. अभी एक दीपिंदर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. कुछ नहीं पूछना भाई, आपकी दीपिंदर जी नहीं पूछना चाहते, मैं उनके लिए पूछता हूँ. आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं अभी तक? नहीं. प्रोप्राइटरशिप में चला रहे जी? तो पिछले साल कितना किया?
2.46 करोड़। प्रॉफिट कितना था उसपे? 25-28% था, उसका मैंने देखा नहीं। 50 लाख समझ लेते हैं। हाँ। तो 50 लाख में आपने टैक्स भरा पूरा? GST या इनकम टैक्स? GST इनकम टैक्स दोनों। पूरा GST कंप्लायंट है, जितना हमारा GST बनता है हम बहुत ईमानदारी से पे करते हैं। दीपक भाई मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, ये इन्वेस्टर इन्वेस्टर के चक्कर में मत पड़ो, आप अपना पैसा कमाओ, मस्त पैसा कमा रहे हो भाई, एंजॉय करो, मैं अभी आऊं। US में ना एक सलोन ऐसे ही विजन के साथ खुला था कॉल्ड ड्राई बार, सेम आपका मॉडल, बियॉन्ड अ पॉइंट ये स्केल नहीं होता है। बहुत अभी भी डोमिनेंस वो जो लोकल सलोन होता है आंटी जी का, जहाँ एक रिलेशनशिप होता है, एक प्रॉक्सिमिटी होती है, घर पे आके करते हैं, उनका राज चलता है। तो मुझे पता है कि आप 6 सालों से डेफिनेटली 50 कर लोगे, बट टू स्केल टू अ लेवल जहाँ इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा, वो मुझे नहीं लगता है इंडिया एंड इंडिया के कस्टमर्स आर रेडी येट फॉर अ बिजनेस मॉडल जहाँ प्राइसिंग एंड ओन प्रोडक्ट्स इज अ USP, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट आई लव आपका जो एक एनर्जी लेवल है, जिस तरह से आप बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता लेकिन सक्सेशन प्लानिंग होता है, इट्स लाइक ब्यूटिफुल एनर्जी, कीप इट अप। अगर यू आर दी ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ केराटिन, तो आप सिर्फ केराटिन क्यों नहीं बेचते हो, एक बड़ा ब्रांड अराउंड केराटिन क्यों नहीं बनाते हो? ये रोज रोज की मगजमारी सलोन चलाना, इसको छोड़ छाड़ के ये नहीं क्यों नहीं करते? लैक्मे अपने सलोन इसलिए नहीं चलाता कि उनको रेवेन्यू चाहिए, लैक्मे अपने सलोन इसलिए चलाता है कि उनके प्रोडक्ट रख रहते हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है। आगामी प्रोफेशनल को बिना सलोन के बेचने जाऊंगा ना तो बिकेगा नहीं, बट जब इतने सारे लोग रिव्यू करेंगे, बोलेंगे हमने आगामी की केराटिन करवाई, तो उसको बेचना आसान है। गलत बात की, लैक्मे का लाइक 1% बिजनेस भी उनके सलोन से नहीं आता, उनके सलोन में सैम्पलिंग भी नहीं होती है, पूरा हेयर का बिजनेस है, उनका धंधा है मेकअप एंड स्किन में, वो अलग अलग कंपनीज हैं और उसमें कोई कनेक्शन नहीं। दीपक पैशन फर्स्ट क्लास में, कल्चर पे फोकस वेरी नाइस, एडवाइस मेरा ये है कि दोस्तों से फैमिली से डेट ले लो और आपका कैश फ्लो अच्छा है पर आउटलेट, और डेट पे ऑफ कर दो, एक सडन स्केल पे पहुंच जाओ, कर लो 20-25-30 आउटलेट, फिर आओ इन्वेस्टर के पास। yeah. अभी टू अर्ली है, आई एम आउट। एज अ फाउंडर आप फिनोमिनल हो, मतलब आपको बिल्कुल धंधा आता है एंड कॉस्ट बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, ये मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, आप एक्सेप्शनल हो इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स। आई एम आउट बिकॉज आप जितनी बड़ी बातें करते हो उतना भी बिजनेस तो बड़ा नहीं है, तो इन्वेस्टर को क्लैरिटी की ये जो आपने मॉडल बनाया है कि आपने क्रैक कर दिया और आप यहाँ 600 कर पाओगे, उसका क्लैरिटी अभी नहीं है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अभी अगर हम ये सोचें कि आप 1 लाख रुपया अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट बना रहे हो पर सलोन, अगर उसी को एक्सट्रैपलेट करें तो आपको 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए आपको 100 सलोन की जरूरत है, और गोइंग फ्रॉम 0 to 6 एंड 6 to 100 बहुत अलग गेम है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी आप कोई हालत में मेंटेन नहीं कर। इन्वेस्टर का पैसा यहाँ कैसे बनेगा आज आके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इस वजह से मैं भी आउट हूँ, बट गुड लक टू यू। दीपक जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, 5 शार्क आउट है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एक सजेशन है, अपने सलोन का नाम भी आगामी कर दीजिए, बहुत यूनिक डिस्टिंक्टिव स्टोरी वाला नाम है, ये अच्छा नाम है। थैंक यू सो मच दीपक जी, बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, आस्क द शार्क्स में आपका स्वागत है, आज हमारे साथ है दीपेंद्र गोयल फ्रॉम Zomato, आल्सो कॉल्ड एज फॉन्डली कॉल्ड एज दीपी सर, वेलकम। थैंक यू सर। सर आज का सवाल आपके लिए है शाहिद का फ्रॉम केरला, वो कह रहा है कि आई वांट टू नो आपको फेलियर से डर लगता है, कभी एक दिन अगर ये पैसा और फेम सब कुछ चला गया तो आप क्या करेंगे? यार आई थिंक सक्सेस और फेलियर तो हैंड इन हैंड चलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें डर लगने वाली बात है, ये तो फॉर लाइक ग्रांटेड लेके चलो कि ये जाएगा ही जाएगा। तो जब जाएगा तो फिर क्या करोगे? क्या फर्क पड़ता है, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। सर इतनी मेहनत दोबारा कर लोगे? मेहनत करने में मजे बड़े आते हैं मुझे। तो शाहिद भाई फ्रॉम केरला, आपने जवाब सुना, बिल्कुल हाफ के मेल टाइप प्रोग्राम बना दिया उन्होंने सक्सेस और फेलियर का। थैंक यू दीपेंद्र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू, एंड शाहिद आई होप यू गॉट योर आंसर, टेक केयर।